बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज LG सैमसंग सोनी वॉलफोल गोदरेज BPL बोश केंट के सभी सामान इसके साथ ही मोबाइल लैपटॉप अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड पुराना किला मोड़ संपर्क करें 0154979634। LG बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर। ऑफर में 7000 तक की छूट, एक साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महा छूट मेला। शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ, तो देर क्यों, जल्दी संपर्क करें जिमी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर पुराना किला मोड़ स्टेशन रोड के रामराज मोड़ स्थित मार्गदर्शन वन डे कोचिंग सेंटर में पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सिवान सदर के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद ने फीता काट कर किया। उपस्थित शिक्षक द्वारा पूर्व विधायक को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद ने बताया कि पुस्तकालय के उद्घाटन से छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने स्कूली शिक्षा के अलावा कोचिंग संस्थान को भी शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने की बात कही। इस मौके पर संस्थान के संस्थापक व सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। They are also good, but I want to share my experience in between us. और कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है वह जनरल पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल जनरल पढ़ाई पढ़ने से गुजारा होने वाला नहीं है, देश आगे बढ़े, इसलिए कोचिंग आवश्यक है। कोचिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार भी आज को कमजोर वर्ग के लोगों को अलग से कोचिंग की व्यवस्था कर रही है, जनरल लोगों के लिए नहीं करती है, लेकिन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वह कोचिंग की व्यवस्था करती है। इसका अर्थ यह है कि कोचिंग आवश्यक है, एक विद्यार्थी के लिए कोचिंग आवश्यक है, इसलिए ये जो खुशी की बात है कि यहाँ पर कोचिंग खोला जा रहा है और इस कोचिंग से यहाँ इस जिला के विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ होगा और टेक्निकल कामों में वे लोग आगे बढ़ेंगे। मीडिया बंधु को हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप मेरे इस लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में आप लोग पहुँचे। हम लोग इसमें सबसे जो देहात वर्ग के बच्चे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक उचित माहौल नहीं मिल पा रहा है, और हमारा कोचिंग ये 13 सालों से मतलब चलते आ रहा है, तो हम लोग इस 13वें साल में हम लोग लाइब्रेरी का उद्घाटन किए ताकि हमारे बच्चे माने गरीब से हो, जो गाँव से भी आते हों, जिनको लगन हो पढ़ने में, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ देकर और अपने सारी बुक वगैरह हम अब फ्री देंगे। सारी सुविधाएं हैं कि 24 घंटा रहेंगी है और इसमें हम सारे बुक बच्चों को फ्री अवेलेबल कराएंगे पढ़ने के लिए, जो बच्चे किन्नी में असमर्थ हो रहे हैं। सर जो लाइब्रेरी खुल रहा है सुबह में पहली बार खुल रहा है, ऐसे पहले भी बहुत
लाइब्रेरी खुल चुका है लेकिन ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या कारण रह गया? देखिए सक्सेसफुल ना होने के कारण ये है कि उसमें माहौल नहीं मिल पाया, बच्चों को उतनी वातावरण नहीं दे पाए, ठीक है। तो हम लोग पहली बार ही समझे तो इस दुकान के लिए एक वरदान साबित होगा, ठीक है। और हम लोग मतलब आगे इसमें बहुत सारे शोधन भी करेंगे। प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज हमको पता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी प्रॉपर स्टडी नहीं मिल हो पाती है, जिनके पास समय का बहुत सारा अभाव रहता है और उनको एक प्रॉपर एटमोसफियर नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो क्या कर पाते, अपनी पढ़ाई करना तो चाहते हैं जो नहीं करना चाहते। वी आर द टीम मेंबर ऑफ द मार्गदर्शन वनडे कोचिंग सेंटर और वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द सिवान डिस्ट्रिक्ट टू बिल्ड देयर लाइफ एंड फॉर फॉर देयर कैरियर। सो हम लोग का एक बस प्रयास है कि आगे जाके मतलब कुछ नया चीज करके बच्चों को करियर का, विद्यार्थियों को करियर को जो अभी आज के डेट में अपडेट्स करके उनके फर्दर करियर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो ये हम लोग की तरफ से बेस्ट ट्राई है और आगे भी हम लोग ऐसा अपडेट्स लाते रहेंगे जो उससे सिवान के बच्चों को बहुत सारा क्या मिल सके, फैसिलिटी हो सके और उनको आगे जो मतलब फर्दर जा रहे हैं उस चीज़ उनको असुविधाएं हो रही है वो असुविधाएं उनको फील ना हो। तो इसके लिए मैं आप लोग का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे मतलब आप लोग अपने माध्यम से हमारी लाइब्रेरी का जो मतलब एक सिवान जिले में ये चीज मतलब एक प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद मिलियंस ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और फिर से मैं सिवान वासियों को, सिवान के सारे विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार ये जो माहौल जो मतलब दूसरी जगह जाके आप लेते हैं उसका फायदा आप यहाँ पर उठाइए और कम पैसे में और ज्यादा एडवांटेज आप ले सकते हैं और अपने प्रॉफर और करियर को आगे बढ़ा सके। इसके देखिए इसका मंथली चार्ज वो मेंटेनेंस चार्ज हम इसको कर सकते हैं, ये कोई फी नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ का है जैसे मान लीजिए फैन हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें, तो मतलब क्या लोकेशन बताइए, नाम बताइए। और लोकेशन इसका है नियर रामराज मोड़, आप कह सकते हैं मार्गदर्शन वनडे कोचिंग सेंटर के कैंपस में है, नियर रामराज मोड़ है और इस लाइब्रेरी का नाम है आदर्श पुस्तकालय जो मार्गदर्शन वनडे कोचिंग के कैंपस में ही है, अवेलेबल है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको मतलब और से और ज्यादा बिल्ड करने के और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा। एडमिशन इसका कोई नहीं है, बस एक चार्ज है जो मेंटेनेंस चार्ज हमारे कोचिंग की तरफ से आता है वही हम लोग रखे हैं, जो मतलब फैन का चार्ज हो सकता है, एसी का चार्ज हो सकता है, नेट का चार्ज हो सकता है, पानी का खर्चा हो सकता है, साफ सफाई का खर्चा, वही बस हम लोग मेंटेनेंस रहे, बाकी इसका कोई फी वगैरह नहीं है। दैट्स ऑल फॉर ऑल नंबर सिर्फ मेरा नाम अमित कुमार सिंह, मैं चीफ मेंटर और इंग्लिश टीचर हूँ।